खबर राजधानी देहरादून से है, जहां राज्य आपदा प्रबंधन मंत्री विनय रोहिला ने राज्य में आई आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए सीएम धामी समेत प्रशासन की सराहना की है। इसी दौरान उन्होंने बताया कि इस बार राज्य में भीषण बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़े दरक गई और सड़क टूट गई थी, लेकिन शासन प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से आपदा में होने वाले नुकसान को काफी कम किया गया। उन्होंने कहा कि जहां भी सड़कें और पुल टूटने की घटना सामने आई, तुरंत उस पुल या सड़क का मरम्मत कर दिया गया। इसके अलावा वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कर आवागमन को चालू किया गया। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में आपदा के बचाव के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता था। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपदा में क्या हुआ था, और चूंकि उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है तो उस दृष्टिकोण से, और आपदा का आने का आकलन भी मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे पहले पिछली बार हरिद्वार में बहुत आपदा थी, आज टिहरी में घनसाली क्षेत्र को आपदा ने पकड़ रखा है, केदारनाथ जी को पकड़ रखा है। तो आपदा मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से आती बढ़ती और घटती रहती है। ये राजनीतिक विषय कभी होना नहीं चाहिए किसी के बीच में भी। कांग्रेस यदि से राजनीति की चर्चा का विषय बनाती है तो उनके टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग मरे और बहुत ऐसी घटनाएं हैं जिनकी चर्चा करना ये माना जाएगा कि हम आपदा को कोई संवैधानिक विषय देने जा रहे हैं। आपदा तो मौसम और परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा शुरू होने से पहले ही 4 महीने पहले ही आपदा की तैयारी पूरे सरकारी तंत्र से, प्रशासन और शासन के माध्यम से करनी शुरू कर दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारा फीडबैक लेना, वहाँ कहाँ राहत सामग्री कैंप बनेंगे, कहाँ सड़कों के लिए हमें दूसरे उपमार्ग बनाने हैं, कहाँ से हम जो है फोर्सेज अलाट करनी है, कहाँ हमें जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज को रखना है। इस प्रकार से आपदा के संबंध में एक समुचित तैयारी लगभग विभाग ने की थी। उसी का परिणाम हुआ कि आपदाएं आई, लेकिन मनुष्य हानि पशु हानि बहुत कम संख्या में हुई है, और जो वैसी हानि है उस पर तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सरकार ने जिस तरह से त्वरित गति से कार्य किया है उसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। कांग्रेस पता नहीं कहां बंद करके बैठी है कि उसे जो है आपदा में अपनी बातें याद नहीं आती, दूसरों की बातों को चर्चा करने पर मशगूल रहते हैं।